भगवान, कौन है ये भगवान, क्या है ये भगवान? लाखों करोड़ों लोगों की तरह मैं भी अपने आप से यह सवाल पूछता था, क्या ये मेरे पिता हैं? क्या ये मेरे गुरु हैं? क्या ये मेरे दोस्त हैं? क्या ये मेरी माँ है? क्या ये मेरे भाई हैं? क्या ये मेरी बहन है? क्या ये सब कुछ है? क्या ये कुछ भी नहीं? क्या ये इन सब से बढ़ के भी ऐसा कुछ है जो शायद अभी तक मैं जाना नहीं हो, समझा नहीं हो? क्या ये आसमान में रहते हैं? क्या ये जमीन पे रहते हैं? क्या ये हमारे चारों तरफ रहते हैं? क्या ये हमारे अंदर रहते हैं? क्या ये है भी या नहीं भी? मैं अपने आप से ये सवाल पूछा करता था। जब भी मैं खुश होता था तो मैं थैंक यू बोलता था। जब भी मैं दुखी होता था तो मैं पूछता था कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? बट फिर आई वुड वंडर कि पता नहीं कोई मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं। कब, कैसे और कहां मुझे इस सवाल का जवाब मिला एक शब्द में, जिसका नाम था महादेव। शिव, शंभू, महादेव, त्रिलोकीनाथ और पता नहीं हजारों लाखों और भी नाम है इनके, बट इनमें ही आके मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिला। और मेरे लिए भगवान की डेफिनेशन महादेव ही है। ये भक्त और भगवान का रिलेशनशिप भी बड़ा प्यारा होता है, और इसमें इंडीड लोग काफी पर्सनल रिलेशनशिप है। एक्चुअली लोग जानने की, समझने की दूसरे लोगों से कोशिश करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जहां एक भक्त और एक भगवान की बात हो रही है, वहां पे किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। कि आप जिस रूप में शिव को पूछते हो, शिव उस रूप में आपके पास आते हैं। और यही ब्यूटी है भक्त और भगवान के रिलेशनशिप की। मन उदास हो या कभी बहुत ज्यादा खुशी हो, हमेशा भगवान को याद करिए, क्योंकि आप चाहे दुखी हैं, चाहे आप खुश हैं, चाहे आप ताकतवर हैं या आप कमजोर हैं, कोई आपके साथ हो ना हो, भगवान आपके साथ हमेशा है। हर हर महादेव।